लैपटॉप पर है, जल्दी सब लैपटॉप पर है, सबके लैपटॉप के अंदर एनआईसी की फ्रंट एंड बैक पिक्चर है, सबके लैपटॉप में चेकबुक की पिक्चर है, सबके पास दराज के 5 नाम मौजूद है, जल्दी से मुझे बताएं। ठीक है, बाकी किधर है? बाकी सबके हाथ में ख्याल से मेहंदी लगी हुई है। चलिए, जिसके हाथ में मेहंदी नहीं लगी हुई वो जल्दी जल्दी मुझे बता दे। ठीक है, अब जरा स्क्रीन को फॉलो करेंगे, मैं स्क्रीन शेयर करवा रहा हूँ और जैसा जैसा मैं करूंगा वैसा वैसा आप सब भी अपने स्क्रीन पे करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह कुछ देर में आपका दराज का अकाउंट बच जाएगा। सबसे पहले आपने गूगल पर आना और यहाँ पे आपने देखना है दराज, ठीक है, daraz.pk पे आपने आ जाना है। बहुत सिलो सिलो अकाउंट बनवाऊंगा, बहुत आराम से बनवाऊंगा ताकि सब बना ले, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे दराज पे आने के बाद कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा सेल ऑन दराज, ठीक है, तो आपने सिंपली सेल ऑन दराज पे क्लिक कर देना है। आप इस पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस स्क्रीन को देखिएगा, जब भी हम दराज का स्टोर बनाते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, एक होता है दराज मॉल सेलर, एक होता है लोकल सेलर और एक होता है डिजिटल सहूलत अकाउंट, ठीक है। ये दराज मॉल सेलर क्या होता है? अगर आप ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं या आप किसी ब्रांड के मालिक हैं तो आप दराज मॉल बना सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट लगती है, इसमें खर्चा आता है। अगर आपके पास कोई ब्रांड नहीं है तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, कंपनी बनानी पड़ेगी, 40 आपके पास ब्रांडेड प्रोडक्ट, ब्रांडेड पैकेजिंग मटेरियल के अंदर होनी चाहिए जब आप दराज मॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी हम दराज मॉल के लिए नहीं जा रहे क्योंकि हमने बहुत कम बजट में काम को सीखना है और काम को समझना है। दूसरे नंबर पे ऑरेंज कलर के अंदर आपको नजर आ रहा है वो है लोकल सेलर। कोई भी शख्स जो पाकिस्तान में रहता है, अगर उसके पास उसका NIC है तो वो दराज पे अकाउंट खोल के चीजें बेच सकता है और ये बिल्कुल फ्री अकाउंट होता है, इसमें आपको कोई भी पैसे नहीं देने होते, ठीक है। अगर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं तो आप डिजिटल सहूलत अकाउंट भी खोल सकते हैं। आज जो हम अकाउंट खोलने जा रहे हैं वो है लोकल सेलर अकाउंट। आप सब जो है वो लोकल सेलर अकाउंट पे साइन अप नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब यहां पर मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूं। अब आप में से कोई भी एक बंदा जिसका नेट अच्छा चल रहा है वो अपनी स्क्रीन शेयर करवाएगा, मैं आपको गाइड करूंगा, आप अपना अकाउंट बनाएंगे। जो अपनी स्क्रीन शेयर करवाएगा उसका अकाउंट सबसे पहले बनेगा क्योंकि मैं उसको गाइड कर रहा, इंशाल्लाह उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी लोग फॉलो करेंगे, ठीक हो गया। सो जो पहले करा देगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मैंने सबको परमिशन दी है, कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर करवा सकता है। चले, कहा है सब? कोई भी अपने इसके शेयर करवा दे। सालार, सहरिश, उजैर, शयान, ठीक है, आप सब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। उजैर, आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे थे। बिलाल, करना यह है गूगल पर आए और लिखे daraz.pk और सेल ऑन दराज पे क्लिक कर दे। उजैर, ये काम आज ही करना है। उजैर, आपका नेट बहुत स्लो चल रहा है, अगर आप दराज का अकाउंट बनवाएंगे तो मेरे ख्याल से सबको सुबह हो जाएगी। अच्छा उजैर, एक काम कीजिएगा, अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर दे। मोहम्मद, बिलाल को आने दे, मेरे ख्याल से इनका नेट सही चल रहा है।
उजैन अपनी स्क्रीन को आप स्टॉप करते हैं। ठीक है, बिलाल शेयर करवाएं। ठीक है, आप सबसे पहले बात सुनिएगा मेरी, सब आपने यहाँ पे अपना वो नंबर डालना है अकाउंट क्रिएट करते टाइम जो आपका मेन नंबर होगा। ठीक है, दराज की टीम आपसे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेगी, सारी बातें आपकी सब इसी नंबर पे होगा। यहाँ से नहीं, आप देखें नीचे लिखा हुआ क्रिएट अकाउंट, ये नहीं, यहाँ से नहीं होगा। आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे ना, जब आप यहाँ से नंबर डाल देंगे, पहले नंबर डालें अपना मेन नंबर जिस पे आप दराज का स्टोर बनाना चाहते हैं, जीरो हटा दें, जीरो नहीं डालेंगे। सब बातों को फॉलो करें वरना आप लोग पीछे रह जाएंगे, अगर एक क्लास भी पीछे रहेगा तो आपको फिर कोर्स का मजा नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक कोड आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो कोड आप यहाँ पर डालें, अपना पासवर्ड डालें। याद रखिएगा पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर आपके पासवर्ड में होने चाहिए, इंक्लूडिंग 1 अपर केस, 1 लोअर केस और 1 स्पेशल कैरेक्टर। रेफरल कोड को छोड़ देंगे, रेफरल कोड में कुछ भी नहीं डालेंगे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना स्टोर का नाम, जो मैंने कहा था कि सोच कर आइएगा, सबसे पहले अपने स्टोर का नाम डालें। उसके बाद ईमेल एड्रेस पर ऐड पे क्लिक करके अपना ईमेल एड्रेस ऐड करें। याद रखिएगा यहाँ पर आप अपना मेन ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे जी, यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस, जब भी ऑर्डर आएगा तो इस ईमेल एड्रेस पर नोटिफिकेशन आएगा, आपके अकाउंट में कोई मसला होगा इस ईमेल एड्रेस पर नोटिफिकेशन आएगा, आप लॉगिन करेंगे इस ईमेल एड्रेस से लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका मेन ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो आपके मोबाइल में भी लॉगिन हो। ठीक है, अपना मेन ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डालें। आपने b.m traders चुना है, मेरे ख्याल से ये नाम आपको नहीं मिलेगा, ये पहले से किसी ने लिया हुआ होगा, लेकिन आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। ठीक है, सेंड पे क्लिक करें, आपके पास एक कोड आएगा, आपकी इसी ईमेल एड्रेस पे कोड आया है, उस कोड को आप वापस से जो है चेंज क्यों करा आपने, गलत हो गया था। चलिए अब आप 50 सेकंड वेट करें, उसके बाद जो है आप वापस से कोड मंगवाइएगा। बाकी सब भी साथ साथ चल रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आई तो काइंडली उससे पूछ लीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम आराम से बनाएं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बनाएं। आपका मेन काम है, दराज का अकाउंट होगा तो हम आगे काम करेंगे ना, बिल्कुल आराम से बनाएं। कोई भी बात पे कहानी ना डाले, क्लास देख लूंगा, बाद में बना लूंगा, रात में बैठ के बना लूंगा, नहीं, हाथ के हाथ अकाउंट बनाए ताकि आपको जो मसला आ रहा हो वो हाथ के हाथ सॉल्व हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद बिल्कुल नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ठीक है, आपका ये जो स्टोर नेम है ये किसी ने पहले से लिया हुआ है, कोई दूसरा नाम डाले।
ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने अपना प्रॉपर एड्रेस डालना, याद रखिएगा यहाँ पे हम अपना वो एड्रेस डालेंगे जहां से हम अपनी दराज की दुकान को मैनेज करेंगे, जहां पे हमारा दराज का राइडर आके पार्सल लेके जाएगा, जहां पे कैंसिलेशन के सारे ऑर्डर आएंगे, ये वो एड्रेस होगा, ठीक है। और एड्रेस आपका बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रॉपर एड्रेस नहीं डालेंगे आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, एरिया सब मेंशन होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी डली हुई है, जिस तरीके से एग्जाम्पल डली हुई है, हाउस नंबर 23A, स्ट्रीट नंबर 4, मॉडल टाउन, लाहौर। इस तरीके से आपने अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले अपनी स्टेट सिलेक्ट करेंगे, आपकी स्टेट कौन सी है, उसके बाद अपना एरिया सिलेक्ट कर लें, आपका एरिया कौन सा है, अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लें, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसके बाद अपना एड्रेस लिख लें। कोई बात नहीं, जूम यूजर, कोई बात नहीं, अभी आप आ जाए, स्लो स्लो चल लेते हैं, अब इनको टाइम लगेगा अपना एड्रेस डालने में, आप अपना एड्रेस डालें प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे आप, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, एरिया सब लिख दें यहाँ पे। अच्छा, आप नीचे देखें, आपको नीचे दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, पिकअप एड्रेस, रिटर्न एड्रेस, ठीक है। तो दोनों पे चेक लगा हुआ होना चाहिए ताकि आपका सेम रहे दोनों एड्रेस। अगर आप दोनों एड्रेस अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, देखिए चार स्टेप होते हैं अकाउंट बनाने के। प्रोफाइल हमारी ग्रीन हो चुकी है, इसका मतलब हमारी प्रोफाइल ठीक है, एड्रेस हमने डाल दिया है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अपना आईडी और बैंक जो है इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब आपने सबसे पहले ये देख लेना है कि आपने आई एम एन इंडिविजुअल पे आपका चेक होना चाहिए, यानी कि आप एज इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है अपना एनआईसी की फ्रंट और बैक की जो तस्वीर मैंने कही थी, जो आपके लैपटॉप में इंशाल्लाह मौजूद होगी, वो आप डाल लीजिएगा। अच्छा मुनीजा, अगर आपका कोड नहीं आ रहा तो मुझे काइंडली बताएं, नंबर पे कोड नहीं आ रहा या ईमेल पे कोड नहीं आ रहा। बिलाल, आप जो है वो डालें ना, अपने प्रोफाइल अपलोड करें, अपलोड अ पिक्चर पे क्लिक करें, ओके ओके, ठीक है। इसका तरीका ये होता है बिलाल कि प्रॉपर जो है ना, जब आपने तस्वीरें डाल ली थी तो एक फोल्डर बनाते, उसमें आप लिखते हैं माय एनआईसी, उसके अंदर सिर्फ आपकी फ्रंट और बैक पिक्चर होती, एक फोल्डर बनाते हैं उसमें लिखते हैं माय चेकबुक, उसके अंदर चेक की तस्वीर डाल देते हैं, आपको इतना घूमना नहीं पड़ता, ये सारा कचरा हो रहा है इसमें ढूंढना जरा आपको मुश्किल हो जाएगा। खैर देखें कहाँ रखे हुए आपने। जब तक आप सब भी फ्रंट पे फ्रंट और बैक पे बैक। अच्छा मनीषा कह रही है कि अभी तक नंबर और ईमेल दोनों पे नहीं आया, आप रिफ्रेश करें अपना ब्राउजर, हो सकता है आपके एरिया में नेटवर्क का इश्यू हो, वरना फॉरन कोड आ जाता है, कोड पे इश्यू होता नहीं। अगर फिर भी हो तो कुछ देर के बाद ट्राई करें या नंबर और ईमेल चेंज कर दें। ठीक है, आप अपनी बैग की जो तस्वीर है वो भी अपलोड करें। अच्छा, जो लोग इजी पैसा पे अकाउंट बना रहे हैं वो थोड़ा तवज्जो कीजिएगा, आप बैंक के अंदर जो है वो सिलेक्ट करेंगे टेलीनोर माइक्रो फाइनेंस बैंक, ब्रांच कोड में आप लिखेंगे इजी पैसा, आईबीएन नंबर आपको मिल जाएगा इजी पैसा के अकाउंट से, ब्रांच कोड के अंदर अपने इजी पैसा के लास्ट 3 या 4 डिजिट आप डाल दें।
आईबीएन नंबर के। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अपनी चेक बुक की पिक्चर आप अपलोड करेंगे, ब्लैंक चेक की तस्वीर, और जो इजी पैसा पे अकाउंट बना रहे हैं वो अकाउंट स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है हमजा, मैं आपको वापस बताता हूँ, अगर आप इजी पैसा पे अकाउंट बना रहे हैं तो एनआईसी अपलोड करने के बाद आप चेक बुक के अंदर अपने इजी पैसा का अकाउंट स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे, आईबीएएन नंबर आपको आपके इजी पैसा अकाउंट में अकाउंट सेटिंग में जाके मिल जाएगा, बैंक के अंदर आप टेलीनोर माइक्रो फाइनेंस बैंक सिलेक्ट करेंगे। परेशान मत हो, मुझे बताएं कहां फंस रहे हैं रियाज आप। उजैर कहां से आपका प्रोसेस नहीं हो रहा? यहाँ पे अपने ब्रांच नेम आपने लिखना है जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है। ठीक है ठीक है, अगर सैरिश आपको ये अनयूजुअल ट्रैफिक वाला इश्यू आ रहा है आपको उसको कैप्चे को फिल कर दे वो सही हो जाएगा, या अपने ब्राउजर को रिफ्रेश कर दे। उजैर अभी आपकी स्क्रीन शेयर नहीं होगी, अभी इनकी स्क्रीन चल रही है, वन बाय वन होती है ना। आप मुझे वैसे ही बता दें क्या इश्यू आ रहा है। ठीक है सबमिट करवा देंगे। ठीक है यहां पे वेट करेंगे, हम प्रोडक्ट अपलोडिंग के प्रोसेस में पहुंच गए, आपका अकाउंट बन चुका है। आप अभी अभी आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है, ठीक है आपके अकाउंट की एप्लीकेशन जा चुकी है बिलाल, इंशाल्लाह विद इन 24 to 48 hours आपके पास जो ईमेल आएगी या कॉल आएगी दराज की तरफ से, इसमें आपको पता चलेगा कि आपका अकाउंट अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ है। इंशाल्लाह जिस तरीके से आपने बनाया 99% चांस है कि ये अप्रूव हो जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह एक आध दिन में आपके पास ईमेल आ जाएगी। अभी आप इसको रिफ्रेश कर लें, इसको रिफ्रेश कर लें, ठीक है अब आप इस टैब को बंद कर दे, इस टैब को ही बंद कर दे और दराज सेलर सेंटर पे आकर रुक जाए, यहाँ पर यहीं पर ही रुक जाए। ठीक है बस आपकी वेरीफाई आईडी और बैंक तक ग्रीन हो चुका है, इंशाल्लाह प्रोडक्ट अपलोडिंग का प्रोसेस हम आगे सीखेंगे जब तक आपका अकाउंट भी अप्रूव हो जाएगा। अच्छा अब आपने क्या करना है बिलाल, अब आपने पैकेजिंग मटेरियल जो है वो ऑर्डर करना है। पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करने का प्रोसेस सब समझ लें, आप दराज पे आएंगे, ठीक है और दराज क्या मतलब जो शॉपिंग वाली वेबसाइट है, बल्कि आप इसको भी स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाएगा दराज, इसको जरा स्क्रॉल कीजिएगा। अच्छा ये जो फेसबुक का ग्रुप है इनका, आप सबने स्क्रॉल डाउन करें,
स्क्रोल डाउन, ठीक है, ये फेसबुक का ग्रुप आप सबने इनका लाइव लाजमी ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपके पास नई नई अपडेट्स जो है वो आती रहे और आप अपडेट्स से जो है वो महरूम ना रहें, ठीक है। तो आपने ये ग्रुप भी इनका लाजमी ज्वाइन कर लेना है। पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको पहले बताऊंगा, लेकिन पहले मैं सबका अकाउंट बनवा दूं, ठीक है। बिलाल आपका अकाउंट प्रोसेस हो चुका है। अच्छा, अब मुझे वो बताएं जो इस प्रोसेस तक अभी तक नहीं पहुंचे। पांच नाम का इसलिए कहा था कि एक नाम ना लगे तो दूसरा लगाएंगे, दूसरा नहीं लगा तो तीसरा लगाएंगे, इस तरीके से। अच्छा बिलाल, अपनी स्क्रीन को जरा आप स्टॉप कर दें, मैं यहाँ पे देख लूँ किसी और की स्क्रीन शेयर करवा के क्या प्रॉब्लम आ रही है। जी, जिसका प्रोसेस हो गया है वो हैंड रेस कर ले काइंडली। सहरिश, अपनी स्क्रीन शेयर करवाएं। जी, जिसका अकाउंट प्रोसेस हो गया है वो अपना हैंड रेस कर ले। हैंड रेस करने के लिए मैंने आपको बताया था, रिएक्शन के बटन पर क्लिक करेंगे, हैंड रेस का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उज़ैर, अपनी स्क्रीन शेयर करवाएं तो मैं आपको बताऊंगा। अरे उज़ैर, अभी तक आप यहीं पर ही हैं? आपका फोन फॉर्मेट आपने गलत डाला हुआ है, आप अपना नंबर वापस डाल लीजिएगा। आप कोई और नंबर डाला, अभी तो आपने अकाउंट बनाना शुरू भी नहीं करा दोस्त। आप रिफ्रेश करें इसको पूरा। बैंक कोड, आप अपना बैंक का कोड लगाएंगे जो आपका ब्रांच कोड होगा। आपका भी यही मसला आ रहा है हमजा? चले, इनका सॉल्व हो जाएगा तो आपका भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे कोड डालें, अपना आईडी पासवर्ड डालें, हो गया आपका काम। ये वेरिफिकेशन कोड आपके पास व्हाट्सएप पर आया है, ठीक है, व्हाट्सएप पे देखें, व्हाट्सएप पे कोड आया होगा आपके पास। अगर अब भी आपके पास इस नंबर पे कोड ना आए तो अपना नंबर चेंज कर दीजिएगा। हमजा, आपका यह मसला सॉल्व हुआ, नंबर चेंज करते हैं, कोड आ जाएगा, ठीक है। बाकी सबका अकाउंट प्रोसेस हो चुका है। हमजा, उज़ैर, इन दो के अलावा बाकी सबका अकाउंट प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। रबीद, आपका क्यों नहीं हुआ? मेरे ख्याल से ये अकाउंट बनाना इतना ही आसान है जितना अकाउंट आप फेसबुक का अकाउंट बनाना जितना आसान है ना, आप जस्ट सिंपली फॉर्म फिल्स करने, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये आपका पहले से किसी और अकाउंट में बना हुआ है। ठीक है, इस टेक्निकल इश्यू को जल्दी से सॉल्व करें,
ठीक है, बाकी जब तक किसी का कोई सवाल है तो अपना हैंड रेस कर ले, मैं आप लोगों के सवाल भी ले लेता हूँ। उजैर नंबर आप चेंज करें हैं, रेफरल कोड में कुछ भी नहीं डालना, रेफरल कोड को खाली छोड़ देना है। रेफरल कोड में कुछ भी नहीं डालना आप लोगों ने। ब्रांच कोड अगर आपको नहीं पता कि आपका ब्रांच कोड क्या है, गूगल पे जाएं, अपना ब्रांच का नाम लिखें, आप किस इलाके में रहते हैं, और वहां से आपको कोई लिस्ट मिल जाएगी आपके बैंक की, वहां से अपना ब्रांच कोड इजीली हासिल कर सकते हैं। पासवर्ड का क्या बताऊं, पासवर्ड आपने रखना है, पासवर्ड की कुछ कंडीशंस है कि 8 कैरेक्टर होने चाहिए कम से कम, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक उसमें स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, तो स्पेशल कैरेक्टर जैसे एट द रेट का साइन, जैसे डॉलर का साइन, बस सैरिश आई थिंक यू हैव टू डू इट राइट नाउ बिकॉज आई डोंट थिंक सो यू कैन डू इट अलोन, सो प्लीज ट्राई टू डू इट राइट नाउ। व्हाट एरर यू आर गेटिंग, लेट मी सी। ओके ओके, यू कैन सिंपली रिफ्रेश योर ब्राउजर। Okay, then you can try on incognito mode. Did you know about incognito mode? No? Okay, let me tell you. Referral code में कुछ भी नहीं डालना अभी, रेफरल कोड को ऐसे ही छोड़ दें। सैरिश कोई मुझे बता रहे कि आप इसको स्किप करके आगे की अपनी इंफॉर्मेशन फिल करें, आप ट्राई करें आपसे हो रहा है तो, वरना आप इनकॉग्निटो मोड पे आ जाएं। इनकॉग्निटो मोड पे आने के लिए आप सिंपली अपने गूगल पर आए, गूगल पर आने के बाद आपको आपके राइट हैंड साइड के ऊपर टॉप के ऊपर 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, उन 3 डॉट्स पे क्लिक करें और आपको नजर आएगा एक इनकॉग्निटो मोड, उस पर क्लिक करें, वो एक ब्राउजर खुल जाएगा, वहां पे आप अपना दराज का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उजैर भाई कोड लिखे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं, कोड नहीं आया अभी तक। चलो मुबारक हो भाई, कोड आ गया, ठीक है, ये आपका कोड का मसला हल हो गया। और किसका कोड का मसला आ रहा है, हमजा आप भी अपना नंबर चेंज कर दें, नंबर चेंज कर दें, आपका मसला भी हल हो जाएगा। बिल्कुल इजी पैसा का अकाउंट लॉगिन करें, अकाउंट सेटिंग में जाएं, जहां पे आपका IBAN नंबर शो हो रहा होगा उस पेज का स्क्रीनशॉट लेके डाल दें। जी यहां पर IBAN नंबर का स्क्रीनशॉट डाल दें। हेलो हाँ बबस, मैं क्लास लेके आता हूँ। कहां पे, अच्छा आ जाए मैं, चलो मुलाकात का टोकन लगाते हैं, किसी को बोलते हैं, मुलाकात हो तो फिर जाने का फायदा है ना यार, इससे फिर यार मुलाकात का सीन हो तो फिर बंदा जाए।
मैं पता करता हूँ। अच्छा हमजा, आप जो है ना अपना ब्राउजर वापस से बंद करके खोले, कोई इशू आ रहा होगा। असल में बहुत सारे लोग एक साथ अप्लाई कर रहे हैं ना, इस वजह से भी इशू आ जाता है। थोड़ी देर के बाद ट्राई कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन अकाउंट आज ही आप लोगों ने अप्लाई करना है, क्योंकि अकाउंट अप्रूव होने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं। बिलाल, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करें और अपनी स्क्रीन जरा स्टॉप कर दें। आगे तो आपको पता है ना क्या करना है। मोइज, मुझसे मुलाकात के लिए आपको कोई टोकन लगाना नहीं पड़ेगा। मैं पीसी होटल कराची में आ रहा हूँ कमिंग सैटरडे यानी के परसों। आप सबको इनविटेशन है मेरी तरफ से, जो भी मिलना चाहे पीसी होटल कराची में, दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक इंशाल्लाह मैं पीसी होटल में होऊंगा। वहाँ पे फ्रीलांसर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है, सो आप लोग मेरे से वहाँ पर मिल सकते हैं। अपने पासिस लेने के लिए मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे जाएं, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसको फिल कर दें, आपको आपका फ्री पास मिल जाएगा और आप वहाँ पर आगे इंशाल्लाह मुलाकात कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक लाहौर का चक्कर हो सकता है लगे, इस्लामाबाद दिसंबर में चक्कर लगेगा मेरा। तहा, आपके पासवर्ड में मसला आ रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पासवर्ड की कंडीशन होती है, हर पासवर्ड दराज एक्सेप्ट नहीं करता। दराज कहता है कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है, समझेगा इस बात को। 8 कैरेक्टर का मतलब है कि 8 या 8 से ज्यादा। नंबर 2, आपके जो कैरेक्टर है उसमें एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप पासवर्ड डाल रहे तहा खान, तो तहा का आपने टी बड़ा रखा यानी कि कैपिटल रखा, ए आपने छोटा रखा, ठीक है। अब आपने लिखा तहा खान _1234, अब आपका ये पासवर्ड लग जाएगा, ठीक है। कॉन्फ्रेंस मानूर कमिंग सैटरडे यानी कि परसों, कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे, सैटरडे को कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस की डिटेल लेने के लिए आप जो है मेरी प्रोफाइल पे जा सकती है, मैं बेसिकली यहाँ पे लिंक डाल देता हूँ वीडियो का, सो आप सब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली बहुत सारे स्पीकर्स वहां पर आ रहे हैं और इंशाल्लाह जो लोग ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं या जो लोग ऑनलाइन पैसे कमाने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद कॉन्फ्रेंस जो है ये साबित होने वाली है। सो अगर आप फ्री हैं सैटरडे को तो लाजमी आइएगा, अगर आप लोग फ्री नहीं है तो और ज्यादा लाजमी आइएगा टाइम निकाल के, क्योंकि कुछ चीजों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है, तहा पासवर्ड लग गया। मानोर, एवरीवन कैन अटेंड, जिसका भी ऑनलाइन पैसे कमाने में इंटरेस्ट है, जिसका भी एज अ फ्रीलांसर अपना करियर बनाने में इंटरेस्ट है, जिसको भी वर्क फ्रॉम होम में इंटरेस्ट है, वो बंदा इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकता है। यस, इट इज कम्प्लीटली फ्री और इसमें हाई टी भी है और इसमें म्यूजिकल नाइट भी है, यानी कि नताशा बेग आ रही है 7 बजे, छोटा सा एक जो है म्यूजिकल इवेंट होगा, उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं। और वैसे आप पहले भी घर जा सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट नहीं कि आप एंट्री हो गई तो आप पूरा दिन ही अटेंड करेंगे, आप कुछ घंटे रुक के भी जा सकते हैं। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जब आ रहे हैं, इस तरह की कॉन्फ्रेंस कराची में बहुत कम होती है, बहुत कम देखने को मिलती है, जहाँ पे इतने सारे स्पीकर्स एक साथ जमा होकर आपको कुछ सिखाएंगे, तो आप आए तो फिर एक दिन की बात है, पूरा दिन ही अटेंड कर लें। मैं चैट के अंदर लिंक डाल रहा हूँ, इस लिंक पे विजिट करके आप लोग जो है सारी डिटेल ले सकते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या होने वाला है। टाइमिंग है 1 PM to 7 PM। आप लोगों ने वैसे 12:30 बजे रजिस्ट्रेशन टाइम है, तो आपने वहां पे आके रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इंशाल्लाह मेरे 200+ स्टूडेंट्स वहां पर होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। मुझे आप सबको स्टार्टिंग में देखना है,
ऐसा ना हो कि मेरे स्टूडेंट जो पीछे कई लाइन में जाके बैठे हो, नहीं, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप आगे आगे बैठे, फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में आप लोग मुझे नजर आए, ठीक है? आप आ जाइए, मैं आपको वही क्लास देता हूँ मोइस, कोई मसला नहीं। लाहौर में कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगी। जिनका बेबी हो वो बेबी के साथ आ जाए, अगर ज्यादा तंग ना करे आपको। वैसे किसी के पास छोड़ के आए तो ज्यादा बेहतर, बच्चे तंग बहुत करते हैं। पासवर्ड कैसे शो होगा? तहा, आप अपना पासवर्ड खुद डालेंगे, जिस जो क्राइटेरिया मैंने बताया उस क्राइटेरिया को मैच करते हुए आपका पासवर्ड लग जाएगा, इतना बड़ा इश्यू नहीं है। मैंने जिस तरीके से बताया ना, आप उस तरीके से पासवर्ड डाल दें। ईमेल पर कोड नहीं आ रहा, आप ईमेल चेंज कर दें। सैटरडे वाली क्लास नहीं होगी, सैटरडे को आप लोगों का मीटअप है पीसी होटल कराची में, वहां पर आइएगा। सैटरडे वाली क्लास हो सकता है मैं आप लोगों की संडे को ले लूं। इजी पैसा अकाउंट वाले बैंक के अंदर टेलीनोर माइक्रो फाइनेंस बैंक को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आईबीएएन नंबर आपको आपके इजी पैसा अकाउंट से मिल जाएगा। चेकबुक की तस्वीर की जगह पे आप अपने इजी पैसा अकाउंट का स्क्रीनशॉट डालेंगे, ब्रांच नेम में आप इजी पैसा लिखेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। क्योंकि देखें नेक्स्ट वीक के अंदर ना हमारी बकरीद की छुट्टी आ जाएगी, तो मैं चाह रहा हूँ इंशाल्लाह संडे को एक हम बड़ी क्लास करके ना सारी चीजों को देख लें। हमजा का नंबर नहीं लग रहा, हमजा थोड़ी देर बाद इनकॉग्निटो मोड पे ट्राई करें, हमजा इनकॉग्निटो मोड पे ट्राई करें। अच्छा एक काम करते हैं, अभी स्क्रीन किसकी आ रही है? स्क्रीन काइंडली रोक दें, हमजा अपनी स्क्रीन शेयर करवाएं, आप आपके मसले हल करूंगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कल गया था जानवर लेने और मैं जानवर ले आया। हाँ मुदस्सिर कह रहे हैं सर कोई शेर सुना दे, शेर सुना देते हैं, अभी सुनाते हैं, सबर करो। शेर है कि जिस दौर से हम गुजरे हैं अगर तुम गुजरते तो गुजर ही जाते। सर व्लॉगिंग स्टार्ट करें ना साथ साथ। यार व्लॉगिंग में वैसे कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन कभी कहीं जाना भी होता तो मैं वैसे व्लॉग नहीं बनाता, आओ ये देखो वो देखो, मेरी बीवी को देखो, मेरे बच्चों को देखो, देखो ये रो रहा है ये नहा रहा है, ये व्लॉग्स ना मैं देखता हूँ ना बनाता हूँ। मैं अगर व्लॉग बनाता भी हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि उसमें कुछ सीखने को मिले लोगों को, उनकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड हो। छोटी सी जिंदगी है वो भी मैं आपको बाथरूम दिखाने में जाया कर दूँ तो फिर आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बेहतर है कि मैं मिलियन व्यूज ना लूँ, मैं 10,000 व्यूज ले लूँ, लेकिन क्वालिटी व्यूज लूँ, ऐसे लोगों के व्यूज लूँ जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं। अल्लाह कैसे कैसे आइडिया दे रहे हैं आप लोग, दराज का स्टोर बना ले, मुझे मेरे चैनल के आइडिया ना दे, मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। आईबीएन नंबर कॉपी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई? इजी पैसा की मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल पे लॉगिन करो, आईबीएन नंबर कॉपी कर लो, कितनी देर लगनी है? अच्छा ये आपकी स्क्रीन आ रही है, अभी तो आप दराज पे ही रुके हुए, क्या कर रहे हैं आप? ये सैलून दराज पे आ जाए, नेट तो सही चल रहा है आपका, फिर क्या इशू आ रहा है? नंबर डालें यहाँ पे,
भाई आईबीएन नंबर आपसे कॉपी नहीं हो रहा तो आप लिख लें, यही कह सकते हैं। देखें सैदिश, इस तरीके से आपने इसको जो आपके पास एरर आ रहा था ना अनयूजुअल ट्रैफिक का, आपने वो स्लाइड को पूरा करना और आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, मोहसिन प्रोडक्ट वाला पेज आ गया तो आपका बस हो गया, बैठ जाए आराम से, प्रोसेस पे चला गया। अच्छा फिर कोड नहीं आया? नहीं भाई, बाद में ये डिटेल्स चेंज नहीं होंगी। ठीक है हमजा, कहने कोड नहीं आ रहा। हमजा अब भी अगर कोड ना आए ना तो आप एक काम कीजिएगा, आप ना नंबर चेंज कर दीजिएगा अपना। असल में बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, रुक तो जाओ, टाइम तो पूरा होने दिया करो। मैं सैटरडे को ये कह रहा था कि पीसी होटल कराची में आ जाए, मुलाकात कर लें, कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैंने लिंक डाला था, वो लिंक आप एक दफा फॉलो कर लेंगे, आप सबको पता चल जाएगा। वापस डाल देता हूँ, ये ले इस लिंक पे क्लिक करें, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है मोइज, आपका हो गया है, अब आप दराज की तरफ से ईमेल आने का वेट करें। रुक जाएं हमजा, यहां से नहीं करें, इनकॉग्निटो मोड से करें, इनकॉग्निटो मोड से करें। आपके राइट हैंड साइड, अरे गूगल तो खोलो, गूगल के ऊपर कर दिया। आपके राइट हैंड साइड पर तीन डॉट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, न्यू इनकॉग्निटो विंडो पे क्लिक करें। ठीक है यहां पे आए, अब यहां पे लिखें दराज। तहा मसला हल हो गया, जिसका कोई मसला चल रहा है वो हैंड रेस कर ले ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग हैं जो अभी मसले में। चलिए शुक्र है प्रोसेस स्टार्ट तो हुआ। नंबर चेंज कर दें हमजा, बार बार सेम नंबर नहीं डाल। ये 0327 वैसे कौन सी सेम है ये? जोंग के डालें, जोंग पे वैसे यूजुअली फॉरन आ जाता है कोड। जीरो हटा दें, इसको इग्नोर करें, ऊपर से काटें इसको, तंग कर रही है। फिर से अपना पासवर्ड डालें जो आप अपने लॉगिन के लिए यूज करना चाहते हैं। आपका ब्राउजर इसने डिटेक्ट कर लिया हमजा, आप काफी देर से ट्राई कर रहे हैं ना, आप थोड़ी देर के बाद ट्राई करेंगे आपका हो जाएगा, लेकिन ये काम आज ही करना है सबने। अल्लाह अल्लाह, उजैर कौन सी डिटेल अप्रूव नहीं हो रही बेटा? मोबाइल पे बड़ा इश्यू आएगा बनाने में, यहां बनाए, यहां आसानी से बन जाएगा।
बाकी सबका अकाउंट बन गया, बस ये चार पांच लोग मेरे से कांटेक्ट में है, बस इनका नहीं बना, बाकी 29 लोग इस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, उन सबका बन गया अकाउंट। फलक, रबीत, मोहम्मद, वमीक, मोहसिन, मोहित, फिदा, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद रबीत, नायर, रियाज अहमद, सलार, सहरे, शाहरुख, सैयदा मानू, सैयदा मुनीजा, ताहा, ताहा, उसैद, खत्री, हैं खत्री, ठीक है, जिशान सईद, सबका अकाउंट बन चुका है। तो सैरिश बनाए ना। अच्छा, कोड का इश्यू आ रहा है, थोड़ी देर के बाद ट्राई कीजिएगा, लैपटॉप बंद करके वापस ऑन कीजिएगा, कोड आ जाएगा। अच्छा, मीनवाइल जिन जिन के अकाउंट बन गए वो एक मेरी बात सुन लें, प्ले स्टोर पे जाएंगे, अपने मोबाइल से प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां पर आप लिखेंगे दराज सेलर सेंटर, और दराज सेलर सेंटर की एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने आईटी पासवर्ड से वहां पर लॉग इन कर लेंगे। बस ठीक है महानूर, आप प्रोडक्ट अपलोडिंग वाले प्रोसेस पे आप पहुंच गई है, वहां पर स्टॉप कर दें, दराज की तरफ से ईमेल आने का वेट करें, इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में ईमेल आ जाएगी। अरे रबीत, आप मेरे से 1000 मरतबा पूछ सकते हैं, मसला नहीं है जी। आईफोन में भी आपको ऐप स्टोर से एप्लीकेशन मिल जाएगी। ठीक है एवरीवन, अब आप लोगों ने बैठे आराम से अपना अकाउंट बनाया, जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो रिकॉर्डिंग देखें क्लास की, और अभी अकाउंट बना के मुझे ग्रुप में सब अपडेट करें, मैसेज करके, बड़े पर्सनल मैसेज करके अपडेट करते हैं कि अकाउंट बन गया है, सबका अकाउंट बन जाना चाहिए, और आप सबने पीसी होटल में लाजमी आना है, ठीक है, लाजमी अपनी शक्ल मुझे दिखानी है ताकि मुझे पता चले कि आप कौन है, कहाँ से क्या करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह छोटा सा मीटअप भी मैं वहीं पर ही अपने दराज के सारे स्टूडेंट्स के साथ करूंगा, इंशाल्लाह आप लोगों से पीसी होटल कराची में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हमजा, आपको मैंने बताया ना, आप ये करें कि आप थोड़ी देर के बाद, 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद अपना लैपटॉप अभी बंद कर दें, 15 मिनट बाद खोलें और वापस से प्रोसेस को करें, हो जाएगा। बाकी जिनका नहीं होगा, कोई इश्यू आएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तो मैं यही हूँ, मैंने कहीं नहीं जाना, जब तक आप सबका दराज का स्टोर नहीं बनेगा हम आगे नहीं जाएंगे, सबका बन जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। कोशिश करें कराची आ जाए, अगर आप लाहौर से आना चाह रहे हैं तो जब भी आ जाए, अगर मुश्किल हो रही है तो फिर ना आए, फिर इंशाल्लाह लाहौर वाला इवेंट जो है वो आप अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, और आप सब जो है, जो मैंने लिंक दिया है आपको, वहां जाके मुझे कमेंट करके बता दें कि आप लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जो जो आ रहा है वहां पे लिख दें कमेंट, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन आ रहा है। इंशाल्लाह आप लोगों से वहीं पर ही मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।